नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि ऑर्गेनोमेटालिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं सीएसआईआर, नेट और गेट एग्जाम में। इसके साथ साथ इसका रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, वो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही पता लगाते हैं कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म से होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करेगा, किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए और डायरेक्ट भी बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक को आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर ओवरऑल सभी कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है मेटल एम और लिगेंट एल, जो एक्स का मतलब है कि यहाँ एक्स नंबर ऑफ लिगेंट्स मेटल के साथ लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो हेप्टास्टी के ऊपर है, तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसका यूज काफ़ी होगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सबसे पहले कंपाउंड पे देखना होता है कि चार्ज क्या होता है, प्लस या माइनस कुछ भी चार्ज हमें दिया हो सकता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए सबसे पहले हम मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, फिर जो इतने इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड डोनेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये याद रखना है कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और उसके बाद अगर प्लस माइनस चार्ज, मीन्स अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो ऐड कर दीजिए जितना चार्ज दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव दिया है तो उतना माइनस कर दीजिए, और इक्वल टू 18। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन सा लिगेंड, ये सारा प्रैक्टिस से होगा। इसके लिए आपको वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये प्रैक्टिस से आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो यहाँ दिया हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो जिसका जो एटॉमिक नंबर है, मान लो इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26। मान लो जिसका जो नंबर है उससे दो ज़्यादा 26 है, तो जो लास्ट का डिजिट 6 है तो उसका 8। मान लो आयरन दिया हुआ है, तो आयरन का 26 नंबर, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 8 काउंट करेंगे। तो इसी तरह इसको आपको याद रखना है सिर्फ ये कि कौन से इलेक्ट्रॉन कितने देगा। अब होता है इलेक्ट्रॉन काउंट, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड। दोनों ही मेथड से रिजल्ट सेम आएगा, और जो कि इजी मेथड है वो कौन सा है, न्यूट्रल मेथड। कंपटीशन एग्जाम में ऑलरेडी दोनों मेथड हम यूज करें या ना करें, बट ये मेथड क्या होता है, इजी होता है और लेस टाइम टेकिंग होता है। तो हम बात करेंगे न्यूट्रल मेथड के बारे में। तो न्यूट्रल मेथड को जानने से पहले हमें कुछ लिगेंड्स के बारे में जानना होगा कि जो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मेटल के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मींस आर ग्रुप लगा हुआ है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चाहे वो CH3 हो, C2H5 हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, वो 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो H, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कोई हैलोजन्स लगा हुआ है मेटल के साथ, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन देने वाले लिगेंड्स हैं, जो आपको एक बार इसके गो थ्रू होकर इनको देखना है। अगर कोई एराइल ग्रुप मतलब फिनाइल लगा हुआ है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कोई एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो देखिए ये 1 कैसे पता चलता है। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इसके चार वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आर ग्रुप के साथ, दो यहाँ बॉन्डिंग में, तो बचे कितने, एक इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक। इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन अल्कोक्सी ग्रुप OR भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो चार, और एक यहाँ OR के साथ देगा और एक मेटल के साथ। इसी तरह PR2, इनको स्पेशली अच्छे से याद रखना है कि PR2 कितना देता है, फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो दो लोन पेयर और दो यहाँ आर ग्रुप के साथ, 4, और एक बचा वो मेटल की तरफ। इसी तरह SR ग्रुप भी एक देता है, एलाइल ईटा 1 एलाइल और ईटा 1 CP। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, ये हेप्टास्टी को शो करता है। तो इसके लिए आपको पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ देखिए NR2 लगा हो तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते, 2R। और अगर मेटल MH, मान ली, इसका क्या मतलब है, ये है कि मेटल जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ब्रिजिंग पोजिशन पे है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब दो मेटल को क्या किया हुआ है, बाइंड हुआ है।
अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोसिल अगर बेंट बेंट मोड में जुड़ा हुआ है मेटल के साथ तो वन इलेक्ट्रॉन देता है, बेंट मोड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर लीगेंट न्यूट्रल लीगेंट लाइक कार्बोनिल हो, थायोकार्बोनिल हो, तो इनमें कार्बोनिल और ये कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, टू इलेक्ट्रॉन। पी आर थ्री लगा हो तो भी कितने देते हैं, टू इलेक्ट्रॉन। एन आर थ्री लगा हो तो टू इलेक्ट्रॉन। डाइनाइट्रोजन लगा हो तो टू इलेक्ट्रॉन। अगर अल्कीन मोड में मेटल के साथ जुड़ा हो तो टू इलेक्ट्रॉन। अल्काइन है तो भी टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से है, सिंगल एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन। कार्बिन है तो भी दो इलेक्ट्रॉन। सी एन आइसोसाइनाइड है या साइनाइड है तो कितने इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम तीन इलेक्ट्रॉन, अब देखिए नाइट्रोसिल अभी जो हमने बात की, अगर बेंट मोड में हो तो दो इलेक्ट्रॉन देता है और जो वन इलेक्ट्रॉन देता है बेंट मोड में, और अगर लीनियर मोड में हो तो तीन इलेक्ट्रॉन। अगर एनओ लीनियर मोड में हो तो थ्री इलेक्ट्रॉन और बेंट मोड में हो तो वन इलेक्ट्रॉन। लीनियर मोड में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच। अगर एलाइलिक ईटा थ्री एलाइल हो तो थ्री इलेक्ट्रॉन, ईटा थ्री सी पी हो तो थ्री इलेक्ट्रॉन। ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ आए तो वहाँ से पहले देख लीजिए। अगर मेटल के साथ सिंगल नाइट्रोजन एटम लगा हो तो थ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ब्रिजिंग लीगेंट्स के बारे में हम देखते हैं कि हेलोजन्स अगर दो मेटल्स को ब्रिजिंग पोजिशन पर है तो तीन इलेक्ट्रॉन देता है। टर्मिनल पे अब हम बात करके आए थे कि एम एक्स हो तो वन इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ ब्रिजिंग में है तो थ्री इलेक्ट्रॉन देता है। एन आर टू थ्री इलेक्ट्रॉन देता है और टर्मिनल पोजीशन पे वन इलेक्ट्रॉन देता है। फॉस्फाइड लिगेंड पी आर टू वन इलेक्ट्रॉन देता है टर्मिनल पे और ब्रिजिंग में थ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों, ब्रिजिंग पोजिशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रिजिंग पोजिशन क्या और किस टाइप से हम पता लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर कोई लीगेंट मान लो एक्स है जो कि ब्रिजिंग पोजीशन पे है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे कि ये ब्रिजिंग पोजीशन पे है। देखिए यहाँ म्यू टू, ब्रिजिंग के लिए हम म्यू यूज करते हैं, दो मेटल को बाइंड कर रहा है तो म्यू टू और एक्स लीगेंट है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, अगर म्यू एक्स है तो म्यू का मतलब ब्रिजिंग है, तो ब्रिजिंग के लिए कम से कम दो मेटल है तो म्यू टू भी हो सकता है और म्यू भी। म्यू थ्री मीन्स एक्स लीगेंट ने तीन मेटल्स को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है या ब्रिज किया हुआ है। तो सबके अलग अलग मोड में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे मेटल यहाँ हैलोजन्स है एक्स, तो अगर म्यू टू बॉन्ड में हो मतलब दो ही मेटल को बाइंड करे या ब्रिजिंग पोजीशन पे हो तो तीन इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखिए हैलोजन्स के पास टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से देखिए चार दो लोन पेयर है और तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में देगा तो तीन इलेक्ट्रॉन देता है। अगर तीन मेटल से बाइंड हो तो पाँच इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन अगर एक सिंगली मेटल से बाउंड हो तो वन इलेक्ट्रॉन देता है और ब्रिजिंग पोजीशन पे भी वन इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है ही वन इलेक्ट्रॉन तो देगा कितने, वन इलेक्ट्रॉन। तो और ओ आर ग्रुप लगा हो तो वो टर्मिनल पोजीशन पे वन इलेक्ट्रॉन देता है, ब्रिजिंग पोजीशन पे थ्री इलेक्ट्रॉन देता है। और देखिए कार्बोनिल ग्रुप अगर ब्रिजिंग पोजीशन पे चाहे दो मेटल के साथ लगाओ, सिंगल मेटल के साथ लगाओ, वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, टू इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन देगा चाहे वो तीन मेटल से बाइंड हो चाहे दो मेटल से। तो अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कुछ। उसके बाद अगर बेंजीन ईटा सिक्स मोड में हो तो छह इलेक्ट्रॉन देता है, ईटा एन सी फाइव हो तो फाइव इलेक्ट्रॉन। अगर देखिए जितने जिस मोड में जो जुड़ा होगा वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल की तरफ डोनेट करता है। ईटा सी एट एच एट लगा हुआ है, मान लो सी एट एच एट लगा हुआ है तो ये भी कितने करेगा, आठ इलेक्ट्रॉन। ईटा सिक्स सी सेवन एच एट साइक्लोहेप्टाटेट्रा इन तो कितने देगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन का मेटल मेटल वन बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड है मेटल मेटल के बीच तो चार इलेक्ट्रॉन देगा। मान लो किसी कंपाउंड के अंदर दो मेटल मेटल बॉन्ड है तो वो चार इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, थ्री बॉन्ड है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन, फोर है तो एट इलेक्ट्रॉन। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे याद दिया हुआ है आपको एक अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, साथ में मैग्नीजियम और कार्बोनिल, तो अल्काइल ग्रुप का वन होता है, एमएन का सेवन और यहाँ इसका एक कार्बोनिल का टू और फाइव का टेन, तो ये टोटल हुए एटीन इलेक्ट्रॉन। इरिडियम देखिए इसका नाइन होता है, पीपीएस थ्री दो इलेक्ट्रॉन देता है, टोटल टू है तो टू इंटू टू फोर, प्लस कार्बोनिल एक टू इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरिन वन इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल हो गए ये सिक्सटीन।
CP2CO पॉजिटिव। अब देखिए सीपी रिंग एक सीपी, जब तक हमें मोड ना बताया हो, मतलब जिसकी हेप्टासिटी के बारे में ना बताया हो, तो हमें जो मैक्सिमम हेप्टासिटी वो शो करता है जो कंपाउंड उसकी, वो हम ले मान के चलेंगे। मान लो सीपी रिंग वन भी शो करता है ईटा वन ईटा थ्री ईटा फाइव, तो हम यहाँ फाइव मान के चलेंगे, फाइव इंटू टू प्लस कोबाल्ट का नाइन। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए इस सीपी से 5 प्लस यहाँ आयरन का 8 प्लस 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 18। देखिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईटा 3 एलाइल रूथियम मेटल है और साथ में दो कार्बोनिल और एनओ लगा हुआ है और एक कंपाउंड बी दिया हुआ है, बोलता है ए और बी क्या है, थर्मली स्टेबल है, फाइंड द नेचर ऑफ नाइट्रोसिल। देखिए कहता है कि कंपाउंड स्टेबल है, आपको नेचर फाइंड आउट करना है, नेचर का मतलब एनओ की नेचर देखना है कि किस वे में जो मेटल के साथ ये जुड़ा हुआ है, कि लीनियर मोड में है या बेंट मोड में है। तो देखिए यहाँ ईटा थ्री का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, रूथियम है तो आयरन के नीचे की मेटल है तो इसका 8, और कार्बोनिल का 2 है तो 2 × 2 = 4 प्लस। अब देखिए टोटल कितने 3 + 8 = 11 + 4 = 15, और हमें करने कितने हैं 15 = 18, तो इसमें हम कितने ऐड करेंगे 3, तो 3 किस मोड में होता है इसका, लीनियर मोड में। तो यहाँ नाइट्रोजन किस मोड में है, लीनियर मोड, एनओ किस मोड में है, लीनियर में। यहाँ देखिए 5 + 8 + 4 + 9 और 8 = 17, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 18, तो ये किस मोड में है, बेंट मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीपी और N6C6 बेंजीन ईटा 6 में दिया हुआ और मैग्नीज दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए सीपी रिंग कितना देगा, इसकी हेप्टासिटी नहीं दी हुई है तो मैक्सिमम हेप्टासिटी मान के चलेंगे 5 + C6 के लिए 6 प्लस मैग्नीज का 7, टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर हमको हमें पूछता है कि कोई मेटल दी हुई है कि फर्स्ट एम को प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी मेटल होगी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की, और कंपाउंड क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है मतलब कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। स्टेबल कंपाउंड वही होते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ जिसको मेटल को निकालना है, और ईटा 3 मान लो 3 इलेक्ट्रॉन देगा ये ईटा मोड में, और CO5 एक CO2 इलेक्ट्रॉन देता है कार्बोनिल और 5 है तो 10 = 18, तो यहाँ कितना होगा X + 13 = 18, तो X = 5, मतलब मेटल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5, तो मान लो 5 है तो यहाँ 23, मान लो 23 होगा तो लास्ट का डिजिट 3 है, मैंने बोला था 2 ज़्यादा होगा तो 5, तो मान लो 23 पे कौन सी मेटल आती है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो कौन सी मेटल होगी, वेनेडियम। नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है कोई कोबाल्ट CO3 और एक्स, एक्स को फाइंड आउट करना है कि एक्स क्या होगा इस कंपाउंड के ऊपर, अगर ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो कोबाल्ट के लिए 9 + 6 = 15 और = 18 कब होगा, देखिए इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो ऊपर जब माइनस का होता है तो हम ऐड करते हैं, तो माइनस का क्या होगा इसके ऊपर 3, जब इसके अंदर क्या होगा 3, ऐड माइनस का होगा तो ऐड करेंगे, प्लस का होता तो माइनस करते हैं 18। देखिए कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स दोस्तों दिए होते हैं, जैसे यहाँ इरिडियम DPPe2 पॉजिटिव दिया हुआ है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए DPPe का क्या मतलब होता है, डाइफिनाइल फोस्पिन इथाइलिन। देखिए E का मतलब है कि दो फोस्पिन लिगेंड को क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ CH2 इथाइलिन है, यहाँ दो डाइफिनाइल फोस्पिन इथाइलिन, तो इसको क्या बोलते हैं DPPe, तो यहाँ से इस फॉस्फोर से 2 इलेक्ट्रॉन, इससे 2, तो पूरा लिगेंड कितने देगा 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर DMPe हो तो डाइमिथाइल, मतलब ये मिथाइल ग्रुप है 2, और डाइमिथाइल हुआ P का फोस्पिन और E का इथाइल, ये भी कितने देगा 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा दोस्तों उसके बाद ये है DMPM, तो D का मतलब डाई, M का मतलब मिथाइल, P का फोस्पिन और M का ये जो बीच वाला M, एक ही हाइड्रोजन एक CH2 ग्रुप है तो मिथाइल, ये भी कितने देगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर काउंट कीजिए इरिडियम का 9 प्लस इस एक का 4 है तो यहाँ 2 है, 2 × 4 = 8, तो कितना हुआ 17, पॉजिटिव साइन है तो एक माइनस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अब आपको सीएसआईआर नेट में पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेगा। तो सीपी रंग कितना देता है इटा 5 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस रूथियम 8 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, सीओ 2 इलेक्ट्रॉन देता है और पीपीएस 3 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये हुए 18 इलेक्ट्रॉन, ये ओबे कर रहा है। दूसरा देखिए टंगस्टन दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन, सीओ दिया हुआ है 3, तो एक सीओ का 2 तो 3 का 6। SiMe4 मतलब ये क्या है, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इसने मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग में, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो मेटल को देगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये देखिए ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन दे क्या करेगा। अब नाइट्रोजन और कार्बन, और कार्बन के नेक्स्ट क्या है मिथाइल, तो मिथाइल से तो सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन से बाउंड होगा, उसके बाद 3 बॉन्ड और बनाने कार्बन को, तो वो किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में है, तो यहाँ कितने बचे 2, तो ये लिगेंड कितने देगा 2 इलेक्ट्रॉन। 6 प्लस 6 12 और 2 14 और 2 16। अब देखिए ये 16 जब है, जब यहाँ से एक इस यहाँ लिगेंड कितने दिए हुए 2, तो 2 इंटू 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये भी क्या करेगा ओबे। इरिडियम 9 प्लस क्लोरीन, एक क्लोरीन का 1 तो 3 का 3 इलेक्ट्रॉन प्लस पीपीएस 3 का 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और एएसपीएस 2 है मान लो आर्सेनिक, दो कोई आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊपर लोन पेयर बचेगा कभी भी ओड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो ये कितने देगा 1 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस का तो एक है प्लस का, तो 9 और 3 12 और 14 12 और 4 16 और 2 18। ओस्मियम 8 इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन है तो 3 से बाइंड होगा, हमने डिस्कस किया पहले, प्लस 2 ब्रोमीन के और 2 पीपीएस 3 के, और एनएमई 2 के 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ एनएमई, तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक देगा यहाँ और एक माइनस का, तो 8 और 3 11 और 14 4 15 और 2 17, तो क्या ऑप्शन होगा ये वाला जो नहीं ओबे करेगा। उसके बाद बोलता है नीटा 5 सी 5 एफ ई सी ओ 2, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन, कितने करेगा 17। ईटा 5 में है तो 5 इलेक्ट्रॉन, मोलिब्डेनम है तो 6 इलेक्ट्रॉन और सी ओ की 3 है, तो 1 का 2 और 3 का 6 17। ईटा 5 2 सी ओ कोबाल्ट, कोबाल्ट का 9 और 10 इसका 10 और 9 19, और यहाँ कितना होगा 5 और आर ई है तो 7 और 6 इसका, तो ये 18। तो यहाँ कुछ दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एन फाइंड आउट करना है कि ये मेटल कंपाउंड है 18 इलेक्ट्रॉन को ओबे करता है, यहाँ एन फाइंड आउट कीजिए कि कितने कार्बोनिल ग्रुप होंगे। यहाँ दिया हुआ है एन ए टू एफ ई सी ओ एन, एन फाइंड आउट करना है, एन ए टू का मतलब है कि इसके ऊपर कंपाउंड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसी में भी एन फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको डिनोट करना है कि कौन सा मेटल कितने, कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे यहाँ पी फॉस्फोर से 2 2, ये पूरा लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 4 देगा, तो ये ब्रिजिंग वाले कितने देंगे ये आपको देखना है। कंपाउंड का 16 इलेक्ट्रॉन होगा, इसी तरह इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लिगेंड कितने देगा। इस लिगेंड का मतलब है सीपी स्टार, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू। और इस वीडियो को आप ज़्यादा नहीं, कम से कम लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको आप अच्छे से याद करें दोस्तों।